फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करेंगे निविया के क्रिकेट टेनिस बॉल के बारे में। स्टेशनरी शॉप में तो कॉमनली स्पोर्ट्स में जो खेलते हैं बच्चे लोग, वो सब प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा, उसमें से ये एक है। और स्टेशनरी शॉप में ये रखना भी ज़रूरी है, ये अच्छा खासा सेल होता है। मान के चलते हैं क्रिकेट बॉल, बैडमिंटन, प्लेइंग कार्ड वगैरह, फिर आपका फुटबॉल हो गया, चेस हो गया, सांप सीढ़ी वाला, फिर रूबिक क्यूब वगैरह वगैरह, जो ये सब मिल जाएगा हर किसी स्टेशनरी शॉप पे। तो आज हम जानेंगे ये जो निविया के टेनिस बॉल के बारे में। निविया बहुत ही फेमस कंपनी है और इसके बारे में थोड़ा आप अभी डिटेल्स में जानेंगे। तो निविया का जो बॉल है ये आता है हमारा, दिखा देते, ये ऐसा बॉक्स में आता है, ये बॉक्स में 12 पीस रहता है प्रोडक्ट। ये देखिए तो पैकेट बन के रहता है, 12 पीस का सेट रहता है एक पॉकेट में। और ये हम येलो वाला आपको दिखा रहे हैं, इसका दो ठो वैरायटी आता है, एक ठो रेड और एक ठो येलो। ये येलो वाला है, येलो और रेड में आपको डिफरेंस ही बता देते हैं। ये देखिए उसका मेंशन भी किया हुआ है। ये देखिए येलो वाला आपका 80-90 ग्राम का होगा, मगर इसमें आपका रेड वाला थोड़ा हैवी रहता है, वो 120-130 ग्राम तक रहता है। तो हैवी रहने के कारण ये हैवी हाइट पकड़ता है और बैटिंग करने से थोड़ा हल्का सा थोड़ा प्रेस करने से ये बाउंड्री पार हो जाता है। बहुत ही अच्छा प्लेइंग होता है रेड वाले में। बच्चों के लिए ये वाला बॉल बेस्ट है, येलो वाला, ये सॉफ्ट रहता है। और तो अभी बात करेंगे इसको आप बाय कहाँ से करेंगे। आप अपने लोकल में पूछ लीजिए कि निविया का डिस्ट्रीब्यूटरशिप कौन लिया है, उनसे पता कर सकते हैं। या फिर निविया के, ये देखिए उसको पेपर में भी दिया गया है कस्टमर केयर, आप इस नंबर पर कॉल करके भी पूछ सकते हैं कि आपका नियरेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर किसके पास है, तो उनसे जाके आप प्रोडक्ट बाई कर सकते हैं। ये वाला सबसे ज़्यादा बिकता है, इसको ज़्यादा स्टॉक में रखिए, क्योंकि इसका लाइट कलर जो रहता है येलो वाला कलर, वो आपको नाइट विजन में भी काम देता है, तो इसीलिए लोग ज़्यादा मैच खेलते खेलते शाम हो गया तो ये वाला चमकीला कलर आपको बॉल ठीक से दिखता है, तो इसीलिए ये वाला थोड़ा ज़्यादा पसंद करते हैं लोग। और इसका स्टॉक आप ज़्यादा रखिए, रेड वाला भी रखिए मगर रेड से ज़्यादा इसका स्टॉक रखिए। तो ये आपको पूरा पॉकेट में ऐसा जो बॉक्स लेने पे आपको मिल जाएगा ये वाला 540 रुपये एक बॉक्स का, मतलब 45 रुपये के करीब आपका एक पीस पड़ गया। और आपका जगह के ऊपर भी निर्भर है, आप डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर से माल उठा रहे हैं कि कहीं से उठा रहे हैं, इसलिए इंडिया मार्ट में भी चेक कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको ठीक ठाक रेट में प्रोडक्ट मिल जाएगा आपका, अगर आप ह्यूज क्वांटिटी में बाई कर रहे हैं तो। और उस हिसाब से रिटेल में भी बेचिए, 45 रुपये अगर आपको MRP होलसेल में पड़ रहा है तो 60-65-70 रुपये में करीब इसको बेचिए।